नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम में हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद टीम ने एक नया कदम उठाया। हाँ, आपने सही सुना, भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर। बेंगलुरु में रविवार को हुए पहले टेस्ट में भारत को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के तुरंत बाद भारतीय चयनकर्ताओं ने वाशिंगटन को अंतिम 2 टेस्ट के लिए टीम में शामिल करने का फैसला किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाशिंगटन इस बार अपनी छाप छोड़ पाएंगे। वाशिंगटन सुंदर एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है जिन्होंने अब तक 4 टेस्ट मैचों में 265 रन बनाए हैं और 6 विकेट भी लिए हैं। उन्हें दाहिने हाथ के ऑफ स्पिनर के रूप में टीम में शामिल किया गया है जो बैटिंग में भी प्रभावी हो सकते। उनके आने से टीम की गेंदबाजी और बैटिंग दोनों में मजबूती आने की उम्मीद। अब बात करते हैं टीम में अन्य बदलाव। पहले टेस्ट में ऋषभ पंत को चोट लग गई जिससे वो दूसरी इनिंग में विकेट कीपर के रूप में नहीं उतर पाए। हालांकि उन्होंने बल्लेबाजी जरूर की। अच्छी खबर ये है कि ऋषभ को अगले 2 टेस्ट के लिए टीम में रखा गया है। इसके साथ ही शुभमन गिल को भी चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर रहना पड़ा, लेकिन उन्हें भी आगामी 2 टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया गया है। क्या ये युवा प्रतिभाएं भारत की जीत का आधार बन पाएगी? टीम के ओपनर्स की बात करें तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने साथ साथ अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली, लोकेश राहुल और सरफराज खान भी शामिल है। इसके अलावा ध्रुव जुरेल को दूसरे विकेट कीपर के रूप में रखा गया है। गेंदबाजी विभाग में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप जैसे तेज गेंदबाजों पर भरोसा किया गया है। अब देखना ये है कि वाशिंगटन सुंदर और काफी खिलाड़ी मिलकर न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी छाप छोड़ने में कितने सफल होते हैं। क्या आप भी इस बदलाव को लेकर उत्सुक है? आइए चर्चा करें और देखें कि भारतीय टीम अगले टेस्ट में किस तरह की रणनीति अपनाती है। धन्यवाद।